हेलो दोस्तों, ये एंट्री गेट है। अभी कोरोना वायरस के कारण ये देख सकते हैं, ये टिकट है। कोरोना वायरस के कारण अभी टिकट ऑनलाइन मिल रहा है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के लिए आपको सुबह 5 बजे से 6 बजे तक टिकट ले सकते हैं, उसके बाद शाम 6 बजे के बाद आप टिकट नहीं ले सकते हैं। टिकट का दाम मात्र 20 रुपये है और साथ में आप अगर म्यूजियम के लेते हैं तो 25 रुपये है। यहीं से अशोक चिन्ह लिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अशोक स्तंभ की ओर चलते हैं, यहीं से अशोक चिन्ह लिया गया है। जितने भी यहाँ खुदाई के सम्मान, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अशोक स्तंभ के बारे में, वीडियो को स्लो करके। यहीं पे जितने भी खुदाई से मिले वस्तुएं हैं वे म्यूजियम में रखे जाते हैं। पांचवी शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी के वस्तुएं म्यूजियम में रखे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे खुदाई से मिले हैं वस्तुएं सभी म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये स्तंभ है अशोक का। यहाँ पे स्तंभ में कुछ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको गाइड नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम गाइड होते हैं। इसीलिए खुद से ही ये सब के बारे में जानना पड़ेगा। जो अशोक चक्र है वो म्यूजियम में वो भी रखा गया है। भगवान बुद्ध के मूर्तियां भी 5वीं शताब्दी के बने हुए म्यूजियम में रखे हैं। आप इसमें आप चढ़ भी नहीं सकते ना बैठ सकते हैं, मना है इस, क्योंकि इस पे बहुत लोग का पवित्र स्थान, इसमें बैठ के साधना करते थे, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती थी उनके लिए ये सब स्तूप बनाया जाता था। जितनी भी पुरानी वस्तुएं यहां से मिली हुई हैं वे सभी म्यूजियम में रखा हुआ है, जैसे कि औजार हो गए, कंगन, आभूषण, ये सभी चीजें तांबा के बने हुए, ये सभी चीजें म्यूजियम में रखा हुआ है। म्यूजियम में कैमरा वगैरह हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ मना है, आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। कैमरा, मोबाइल, ये सब आपका बैग, आपको एक लॉकर दिया जाएगा, उसमें आपका सामान रख दिया जाएगा। जब म्यूजियम से आप निकलेंगे
ताप ले सकते हैं। ऐसे कई स्तूप हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोग को, गोलाई में एक चौड़ाई में, ये सब आप देख सकते हैं। पत्थर ये सभी म्यूजियम में रखा जाएगा, ये सब खुदाई के दौरान मिला हुआ है, ये सब यही सब आपको म्यूजियम में यही सब देखने को मिलेगा। ये सब देख सकते हैं 5th-6th century की, ये सब पत्थर हैं, ये सभी चीजें म्यूजियम में रखा जाएगा। और यही सब देखने को भी मिलेगा म्यूजियम में आपको, जब आप जाके देखेंगे तो। आप लोग देख सकते हैं कुछ पत्थरों में नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर सभी जोड़ जोड़ के साथ जोड़ा जाएगा, ये नंबर सब जो लिखा हुआ है सब कुछ जोड़ा जाएगा साथ में। उस जमाने के भी लोग देख सकते कितने अच्छे से बनाते थे पत्थर में कलाकृतियां। ये सभी ईंट के बने हुए हैं, इसी के बगल में देख सकते हैं ये सब स्तंभ, ये सब अभी तक है, ये सब भी शायद म्यूजियम में रखा जाएगा। म्यूजियम में आपको ये सब पत्थर ही देखने को मिलेगी 5th century से 10th century तक के पत्थर। ये जो हिरन आप देख सकते हैं, ये बगल में ही दीवार है डियर पार्क का, वही ये सब आपको हिरन भी देखने को मिलेगा। बारहसिंगा आपको यही साइड से ही, धमक स्तूप के साइड से ही देखने को ये सब मिलेगा, डियर पार्क की तरफ से आप को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उधर वो साइड नहीं जाता है। यहाँ पे पहले गाजर मिलता था तो हम लोग देते थे खाने को हिरन को, तो सामने नज़दीक आता था, अब तो गाजर कुछ नहीं मिलता है, इस कारण से इसको सामने उतना बुला नहीं सकते हैं। ये हम लोग से करीब 10 फुट नज़दीक आ गया था, बुलाए थे तो। बहुत प्यारा दिखते हैं ये सभी बारहसिंगा। तीन सौ चार सौ के करीब ये लोग होंगे यहाँ पे, ये झुंड में रहते हैं, इन लोग के कई झुंड है, देख सकते हैं एक झुंड यहाँ, एक झुंड बगल साइड में है, ये लोग अपने झुंड बना के चलते हैं।
बीच में आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है। ये जब उछल उछल के भागते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, वो आपको दिखाते भी, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किए। अब चलते हम लोग धम्मिक स्तूप की तरफ। धम्मिक स्तूप पूरी तरह से ठोस है, ना इसमें खिड़की है ना दरवाजा है, कुछ नहीं है। ऊपर से लेके नीचे, ऊपर ईंट का बना हुआ है, नीचे प्रस्तर का बना हुआ है। इधर ये सब स्तूपे बने हुए हैं छोटे छोटे। लॉकडाउन के कारण यहाँ पे भी भीड़ नहीं है, बहुत ही कम लोग आते हैं देखने। जो ये आप काला काला देख रहे हैं, ये मोमबत्ती जलाने के कारण ये सब काला काला हो गए हैं। इन दीवारों पे कलाकृतियां की गई हैं, फूल हैं, फूल सब बने हुए हैं। दिखाते हैं देख सकते हैं, फूल सब बने हुए हैं। पूरी तरह से ये ठोस है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म के दो व्यक्ति हैं, मोमबत्ती जला के पूजा उजा कर रहे हैं। यहाँ पे मोमबत्ती जला के पूजा किया जाता है, ये लोग अपने पूजा करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे ये कितना मीटर ऊंचा है, चौड़ाई तथा ऊंचाई भी आपको बोर्ड में दिखाएंगे कि कितना ये ऊंचा है, कितना इसकी चौड़ाई है जमीन से। यहाँ पे लेजर लाइट से भी कुछ कुछ दिखाया जाता है, ये सब देख सकते हैं। धम्मिक स्तूप के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग इसे स्लो करके पढ़ सकते हैं कि ना इसकी लंबाई है, चौड़ाई है सब। ये अंधे लोग के लिए भी है, पढ़ सकते हैं हाथ छू के। उसी के बगल में ये है, ये नया बना हुआ है, यहाँ पे बुद्ध लोग आते हैं और अपना बैठते हैं।
ये सभी सामने का ये दृश्य है, ये सब देख सकते हैं, ये इस टाइप का बना हुआ है। ये यहाँ पे जाना भी मना है। ये सामने के ये सब है, ये स्तूप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। ये जो आप बीच में देख रहे हैं से बड़ा सा गोला सा, इससे धर्मराज जी का स्तूप कहा जाता है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ भी है, धर्मराज जी का स्तूप। यहाँ पे मना है जाने के लिए, नहीं जा सकते इससे। गेट की ओर जाने के लिए ये हम आपको पूरा एक चक्कर दिखा दिए आपको, पूरा यही गेट से लेके फिर गेट तक एक चक्कर इस टाइप का बना हुआ था। ये रोड साइड आपको ये मूर्तियां मिलेगी बुद्ध जी का, बुद्ध धर्म से रिलेटेड सभी चीजें यहाँ मिलेगी रास्ते में। गेट के बाहर बहुत से दुकानें हैं। बहुत तरह की मूर्तियां हैं, देख सकते हैं भगवान बुद्ध की। बहुत से दुकानें हैं, छोटे छोटे ठेले में भगवान बुद्ध जी का मूर्ति और कुछ कुछ वस्तुएं बेचने के लिए। हम म्यूजियम में कैमरा लेना अलाउड नहीं है, अंदर ले जा नहीं सकते हैं, कैमरा को रख लिया जाता है। कैमरा या कुछ भी चीज़ें आप म्यूजियम में नहीं ले जा सकते हैं, लॉकर में रख दिया जाएगा और उसकी चाबी आपको दिया जाएगा लॉकर की।
देख सकते हैं कई किस्म की मूर्तियां हैं। ये कुछ है, बहुत धर्म से रिलेटेड। अशोक का स्तंभ है, देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है। ये छोटे छोटे मूर्तियां उसका मिल रहा है। तो दोस्तों ये है म्यूजियम का दरवाजा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अंदर अलाउड नहीं है कैमरा लेना, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या सामान है। देख सकते हैं म्यूजियम यहाँ से कैसा है। म्यूजियम पूरा एसी से लगा हुआ है, अंदर ठंडा है। पांचवीं से लेके 15वीं शताब्दी तक के चीजें वहां रखी हुई हैं, मूर्तियां बलुआ पत्थर से बने हुए तथा प्रस्तर से बने हुए चीजें।